अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमने प्लान किया था छोटा सा वन डे ट्रिप टुवर्ड्स करतारपुर कॉरिडोर। जी बिल्कुल, करतारपुर कॉरिडोर हम जा रहे थे, तो जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले ये मतलब डेवलप हुआ है, अभी भी जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो हम इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं। कुछ देर पहले लाहौर से निकले और अभी हम रास्ते में हैं। इस वक्त हम नारोवाल क्रॉस कर रहे हैं, पीछे काफ़ी गेम्स वगैरह चली हैं और ये माशाल्लाह हमारे साथ जो है उसामा साहब हैं। क्रेडिट गोज़ टू दिस पर्सन हु इज एक्चुअली बिहाइंड ऑल दिस प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग दिस होल ट्रिप। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो कि नीचे नहीं आ रहा। This is just a tricky part of this video. Link आपने ढूंढ लिया तो फॉलो कर लीजिएगा। जी तो ये आप ऐसे इधर से जो है मैं बता दूंगा आपको कितना पार्ट आपने फास्ट फॉरवर्ड करना है, कितने सेकंड्स आपने क्रॉस करने हैं। जस्ट इग्नोर हिम। एनीवेज जी, ये पूरी टीम है जो जा रही है इस वक्त। सारे हाथ हिला दो, हिलाओ हाथ, हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ, ये लोग हैं कुछ। असल में हमने इस चीज़ को जो है चादर देख के पाँव फैलाने वाली बात को हमने काफ़ी सीरियसली ले लिया था, इसलिए लोग थोड़े हैं, कोस्टर बड़ी है। तो बाकी ये है कि अभी हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द थिंग आई वांट टू मेंशन ओवर हियर इज के जी हमारे साथ जो ये हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी हमारे बड़े माशाल्लाह एक्टिव ड्राइवर हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। चाचा जी आप खुश हैं हमारे साथ? बहुत खुश हैं जी, हमें वो इन्जॉय भी करवा रहे हैं, बातें भी सुनाते हैं उधर की हमें, और बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह चाचा जी को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। और चाचा जी ने बड़ा वैसे वैसी किस्म का कट मारा है, कोई बात नहीं। असल में ये सिंगल रोड है तो इस पे थोड़ी ड्राइविंग मुश्किल होती है। बहुत अच्छा चला रहे हैं, मैं तो वैसे मजाक किया मैंने वीडियो में, छोटा सा चुटकुला किया। तो ये अभी तक की अपडेट है, बाकी इंशाल्लाह करतारपुर पहुंच के आपको फर्दर हम अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए, बाकी वीडियो में आगे आप देखेंगे, बहुत एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है। व्हाट्सएप ट्रिप के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? क्या गिलाने ने कहा कि अच्छी अच्छी बातें करनी है, तो मैं सबके लिए एक पैगाम है कि हम एक मोहब्बत और पीस वाली जगह पे जा रहे हैं, तो आप भी मोहब्बत और पीस स्प्रेड करें एज मच एज पॉसिबल। सारा दिन तू ऑफिस से लड़दा रहना लोगों से, तू पीस से बुला रहे हैं यार। ये इस काम के लिए वीडियो बनाई है, ये बंद करें इसको, बंद करें। नहीं इसको बंद नहीं, कैमरा पे आ चुका है। क्या ख्याल के आपके मतलब ख्याल ये हैं कि एक अच्छा ट्रिप है जो कि उसामा ने अरेंज किया है। एक ऐसा दिन था जो कि मुझे हॉस्टल लाइट को बोर होकर गुजारना था, तो एक हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं करतारपुर, देखने जा रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट के एंड से क्या बना और इंडियन गवर्नमेंट ने सुना नहीं कुछ किया। चल बस करो, इन्जॉय करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बट स्माइल करते हैं देख, सुबह मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करना। व्हाट्सएप ऐसे क्यों मतलब क्यों करते हैं आप? व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप पे कॉल करने का क्या दुख बनता है? मैंने कहा माशाल्लाह आपका बोनस लगा है, व्हाट्सएप नहीं बट ये हमारे साथ आप देख सकते हैं बच्चे भी ट्रिप पे जा रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने शौक से वो जो है मतलब जो भी गुजरती हुई ग्रीनरी है उसको देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। अपने ख्याल का जरा इजहार कर दो। डाडो एडो मजो आयो, कि डाडो मजो आया, आर बी सॉफ द ट्रिप, बधाइया रियली। बताएं जी वो कितना खुश है, अपना तो आप बाद में बताना ना, पहले उसका बताओ। इतना दुख है ना उसे, एक भी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही। हां पिक्चर अच्छी नहीं, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स है ये। इसमें किसी सैमसंग ओप्पो मैं इंशाल्लाह वहां जाके ऐसी तस्वीरें खींचूंगा कि आप सब बहुत महसूस होंगे। दोबारा अच्छा आपको कैसा लग रहा है ट्रिप पे जाके? अब
अंताक्षरी तो आपने बहुत खेली है माशाल्लाह, गाने भी आपने अच्छे खासे गाए हैं। बहुत ज्यादा मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। अच्छा, घर वाले कैसे गुजारा करते हैं फिर जब आप छुट्टी पे घर वापस? उन्होंने तभी मुझे घर से निकाला हुआ है। तो ओवरऑल आपका अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है? बुरा ना कहना मैम। अच्छा जी, ये हमारी मैम आतिका है, मेरी टीम लीड है, मेरी लीड भी है, लेकिन अभी हमारी लीड नहीं है, अभी हम सब फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो हम एंजॉय करने आए हैं। ये इनके साथ इनकी एक दोस्त आई हुई है जिनका नाम आयशा है, और मुझे इनका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पता, ये किधर से आई हैं, क्या करती हैं, तो बस आप समझ जाइए हमारे साथ हैं, ये भी हमारी कलीग है। तो आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक? सो फार बेस्ट। अच्छा, और क्या चीज आप सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त? ठीक है, म्यूजिक का आपका हम इंतजाम अभी करते हैं, किसी पेट्रोल स्टेशन पे रोक के हम जरूर वो लेते हैं। बाकी आपको करतारपुर के लिए क्या एक्साइटेड है उसको देखने के लिए? किसी हद तक। चलें, आपसे आपके व्यूज फिर बाद में लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जो है बटग्राम, टिकट बूथ पे खड़े हैं हम, और तो खैर स्टे रहो ना तुम। Anyways, distractions are always there. You have to focus in your life to achieve something. तो अभी हम यहाँ जो टिकट बूथ पे खड़े हैं, 200 पर पर्सन एंट्री फी है यहाँ पर, और अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकें तो आपको करतारपुर की एंट्रेंस नजर आएगी, राइट हियर, गरमांडे, राइट नेक्स्ट टू हिज फेस बाय द वे। तो वो देखिए। अच्छा, अब हमारे साथ चूंकि कुछ ख्वातीन भी इस ट्रिप में शामिल हैं, तो दे हैव वेंट फॉर समथिंग विद अ विद अ बिगर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो एनीवेज जी, अब हम जा रहे हैं उनको ढूंढने, हम भी नेचर कॉलिंग की तरफ, नेचर कॉलिंग की तरफ ही हम जा रहे हैं। नहीं, तुम जा रहे हो कि मैं नहीं जा रहा? तुम नहीं जाते ना, तुम बहुत तुम नहीं, मैं बड़ा पाक दामन, ठीक है। और ये मेरे साथ है जिसको भी बहुत प्रेशर है, तो अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ से, लेकिन जी आई कैन गारंटी के। तो अभी फिलहाल जस्ट इग्नोर व्हाटएवर ही इज सेइंग, ही इज द मिन। एंड यू गाइस रिमेंबर, यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसामा विद डबल ए डॉट शाहिद। हाँ जी, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, एंड हैव सम अमेजिंग। एंड आई वुड रिपीट द सेम वर्ड्स ओवर हियर के जी, इट्स द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यू हैव टू फाइंड द लिंक बाय योरसेल्फ। अगर आप वो आपको मिल जाता है, सो यू कैन ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही विल डेफिनेटली ऐड दैट। अभी तक ये अपडेट है। अब मैं जरा ऐसी जगह जा रहा हूँ, वीडियो नहीं बन सकती। हाँ, वीडियो नहीं बन सकती। हाजिरीन, ये देखें आप, ये वॉशरूम्स हैं, और ये भाई अंदर से आए हैं। सो आई वुड आस्क हिम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yeah, definitely something that I have never experienced before. जिंदा था, बाहर आया हूँ तो जम गया हूँ, मैं कसम जम गया हूँ। थोड़ा थोड़ा सा elaborate कर, बता नहीं सकता। हाँ, ये honestly मैं पीपी कम हो गया। Okay, don't touch me, man. इस गंदे इंसान ने अपने गंदे हाथों से मेरे शरीर को छुआ। नादरन, इस वक्त मैं जो है दर्शन ड्योरी के अंदर, बेसिकली इनके ड्योरी जिसको हम कहते हैं, दर्शन ड्योरी के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। अभी यहाँ पर आगे जाकर हम मज़ीद चीज़ें जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। सर ढांपने को हमें कहा गया, वैसे अभी तो नहीं ढांपने को कहा गया, अभी जूते जमा करवाने हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके सर, ओके ओके, ओके. ओके गाइस, सो वी आर इनसाइड द करतारपुर कॉरिडोर और व्हाटएवर वी कॉल इट। सो दिस इज द व्यू, दिस इज द मेन एंट्रेंस, बेसिकली दिस वाज द मेन एंट्रेंस राइट बिहाइंड मी वेयर आई हैव कम फ्रॉम, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो है आने के बाद एक होली फीलिंग ज़रूर आ रही है, और बहुत साफ़ सुथरा इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, और मेरे साथ
फिर से उसामा शाहिद है, फिर से उसामा शाहिद है इनका। प्लीज मैं एक मिनट, आप क्यों नहीं, मैं मिनतें करता हूँ आपकी, इसका प्लीज जो है ना इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा, और इसका जो यूट्यूब चैनल है नहीं भी है ना, बना के खुद इसका बना के उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स हैव 5000 लाइक्स फॉर दिस वीडियो एंड आई विल हैव अ यूट्यूब चैनल। नहीं मैं आपको बड़ी जनरल बात बता रहा हूँ, फेम है कि हम 5000 के लिए फेम के लिए सारा कुछ नहीं, फेम नहीं, आई डोंट लाइक फेम लाइफ, मुझे सिर्फ यही वो कहना चाह रहा है कि मुझे फेम नहीं चाहिए। तो अभी इसके व्यूज पूछते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, प्लीज कमेंट ऑन द होल थिंग दैट यू हैव जस्ट विजिटेड, इन फैक्ट यू आर विजिटिंग राइट नाउ। नहीं डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा, साफ सुथरा बना हुआ है, और ऑब्वियसली अभी और एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाके देखेंगे तो पता चलेगा। अगर आपको उसकी आवाज़ नहीं आई ना, इसने कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा साफ सुथरा बना हुआ है। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी है, आई नीड न्यूज, बट आई डोंट नो, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज नहीं देखी। द थिंग इज कि आई एम वेरी न्यू टू दिस व्लॉगिंग थिंग and I don't know ke kitna I don't know I know vlog I don't know but main kehna cha raha hu ki mujhe samajh nahi hai ki abhi vlog mein kitna humne zor se bolna hai ya kam bolna hai, to kyunki ek bahut hi religious place hai to koshish kar rahe hain ki thoda voice ko niche hi rakhe। Acha despite the fact ki ye jagah bahut khoobsurat hai, sab kuch hai, mujhe bada I was crazy to visit this place, aur Allah ka shukr hai ki main matlab badi jaldi idhar visit kar li hai, lekin yahan pe aane ke baad Mr. Chadda Singh Lal पगड़ियों वाले बहुत नजर आ रहे हैं मुझे, तो जगह जगह यू कैन सी मिस्टर चड्डाज विद नीडीज एंड रेड पग वट एवर दे कॉल इट। तो मैं अभी कोई मेरे पास से गुजरेगा तो मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी, तो अभी तक के लिए इतना अभी ही। जो मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि हमें सबसे क्रेजी टर्बन कलर कौन सा मिलता है यहाँ पे, अभी तक जो सबसे आंखों में चुभने वाला मिला है वो लाल है, वो मेरे बिल्कुल सामने एक बंदा जा रहा है जिसने चुभते हुए येलो कलर की जैकेट पहनी है और उसके ऊपर लाल टर्बन उसने पहना हुआ। एग्जैक्टली वो वाकई में वो बिल्कुल मुझे वो जो कभी खुशी कभी गम के अंदर चड्डा सिंह जो मिलते हैं शाहरुख खान को दूर से भी नजर आ रहा है जी, तो बड़ा वो बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब हर चीज दिखाओ इनको, वो देखो टोपियां पहन के मुसलमान है, उनका सिर्फ जो पर्पज है इसका वो सर ढांपना बेसिकली, वो आप चाहे आप अपने हुडी से कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर रिलीजन की, चाहे वो कोई भी हो, और यही हमें इस्लाम सिखाता है। और बाकी मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन अबाउट दिस होल थिंग, अभी तक के लिए इतना ही। आप पीछे सुन सकते हैं आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर ये जो सिलसिला है ये टूटने नहीं देते, जो भी माथा टेकने आता है वो इस तरह कुछ ना कुछ गा के जाता है अपना, जो भी इनका होली सॉन्ग कहना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड टू यूज़ हियर, लेकिन ये है कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ये इस तरह ही कुछ ना कुछ गाते रहते हैं जो कि इनके लिए बड़ा मुकद्दस समझा जाता है। चक्कर की मैं सीधी जी गल कहना, सब तो बढ़िया मैं, ओके सो गाइस आई हैव जस्ट एंटर्ड दिस म्यूजियम हॉल, और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली वर्थ वॉचिंग, बहुत अच्छा जो उसमें कलर कॉम्बिनेशन और जो पेंटिंग है तो उसको बनाने का तरीका बड़ा बड़ी बड़ी रियल लुक आती है, किसी बहुत अच्छे पेंटर ने बनाया है, सो लेट मी शो यू ऑल ऑफ दो पेंटिंग्स दैट दे हैव एक्चुअली डिस्प्लेड ओवर हियर। ये देखें आप यहाँ पर मैं सारी पेंटिंग्स दिखाता हूँ, सारी तो नहीं जितनी मैं दिखा सकूँगा, ये बहुत बेहतरीन किस्म की पेंटिंग्स हैं, और बेसिकली पूरे हॉल के अंदर पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स हैं, और ये बहुत अच्छा हॉल इन्होंने डेवलप किया हुआ है। जी सानू इतने आके बड़ा मज़ा आ रहा है, इधर जो है वो ये गैलरी हमारे अजीम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शरीफ ने ये बनाया है, और ये पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो दुआएँ हैं और जो खिदमत की है उन्होंने पाकिस्तान की, उसके उससे ही करेगा इंशाल्लाह। जनाब ये बेसिकली थे हमारे बहुत अच्छे दोस्त भोलू पटवारी, और ये रह नहीं सके अपने कायद को याद किए बिना, और तो कि वो भाग चुके हैं लेकिन बचा नहीं रहा था। मैंने भी बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जो मियां मोहम्मद पटवारी और मियां मोहम्मद नवाज़ी ने पाकिस्तान की खिदमत की है वो खिदमत ऐसी कोई भी नहीं कर सका 70 सालों में। बस वो भोलू जो पटवारी हमारे वो नहीं रह नहीं सके, तो बहरहाल
लेट्स गेट बैक टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो जो कि हम आपको पेंटिंग्स दिखा रहे थे. तो यहाँ पर बेसिकली बहुत से लोग आए हुए हैं जो दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, बेसिकली दे आर फ्रॉम इंडिया एंड दे आर विजिटिंग देयर होली प्लेस एंड दे आर एक्चुअली वेरी मच इम्प्रेस्ड विद ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उनके लिए स्पेशली डेवलप किया गया है. तो कुछ पेंटिंग्स हैं इधर और ये बहुत खूबसूरती के साथ इसको डिस्प्ले किया गया इनको पेंटिंग्स को. मैं अभी आपको एक बड़ी अच्छी पेंटिंग दिखाना असल में चाह रहा हूँ जो मैंने कहीं देखी और मुझे याद नहीं आ रहा. देयर यू गो, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन.